सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पे फील होते हैं। तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि एक्यूट यानी छोटे टाइम के लिए भी हो सकती है या फिर क्रॉनिक जरूरत से ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी हो सकती है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही या फिर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, इन सभी कारणों में आपको कुछ टाइम के लिए ब्लड प्रेशर का इशू आ सकता है। लेकिन ये टोटली रिवर्सिबल है अगर आप इस पर वर्क करना स्टार्ट करें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें या फिर अपने आप को बैलेंस डाइट में या फिर हेल्दी लाइफ स्टाइल में ले। लेकिन अगर आप इस सबको फॉलो नहीं करते तो आप इसके एक क्रॉनिक पेशेंट बन जाते। इसका मतलब आपको जरूरत से ज़्यादा लंबे समय के लिए दवाइयाँ और प्रिकॉशंस लेने पड़ते। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप नॉर्मली बैठे हैं और आपको सुबह किसी चीज से स्ट्रेस है तो ये कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या नहीं। तो कुछ साइन एंड सिम्टम इस तरीके से हैं कि आपकी चेस्ट हैवी रहेगी, आपको जो इनरेगुलर हार्ट बीट्स रहेंगी मतलब आपका जो दिल है वो जरूरत से ज़्यादा धड़केगा, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, इस केस में सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हेडेक कॉन्स्टेंट सीवियर हेडेक, ये इसका प्रोमिनेंट फीचर रहता है, मतलब सर भारी होना, आँखें ना खुलना या फिर बेचैनी होना, ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि ब्लड प्रेशर कोई सिम्टम्स एज सच नहीं आपको शो करता अनटिल अनलेस वो किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा हो आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके साथ आप मेरी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। साथ ही साथ आप हील विद डॉक्टर पेन रिलीफ क्लिनिक एंड एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर विजिट कर सकते हैं, जिसकी एक ब्रांच उत्तम नगर में और दूसरी पश्चिम में। थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।